दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान में जो टिड्डी का प्रकटन हुआ है उसकी समीक्षा आज की गई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है ये चिंता व्यक्त की है कि टिड्डी जो लगभग आधे राजस्थान में जो है वो अपने पांव पसार चुकी है, तो उसके प्रति उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज की है और अलग अलग परिस्थितियों के अंदर जो जिलों के अंदर काम किए गए हैं उनकी समीक्षा की गई है, संसाधनों की आवश्यकता की जानकारी दी गई है और इसमें अजमेर ज़िले के विशेष रूप से कई बार अजमेर ज़िले का आज जो है वो जिक्र हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। ज़िले में जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर फायर ब्रिगेड के माध्यम से ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के माध्यम से हम लोगों जिन्होंने उपचार किया उसको सराहा गया है और विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय जी ने ये जानना चाहा कि अजमेर में हम लोगों ने ऑपरेशंस जो है रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जारी किए थे। आमतौर पर LCO की तरफ से जो ऑपरेशंस होते हैं वो 5 बजे से लेकर और 8 बजे तक होते हैं, तो जब उनको ये जानकारी दी गई तो उन्होंने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि ज़िले के अंदर जो है वो कृषक हित में और फसलों को बचाने के उद्देश्य से पूरी टीम जो है वो एक अच्छा जॉब वर्क कर रही है और हम लोग जो है रात को 12 बजे से जैसे कल रात को ही आज रात को ही जो है अराई पंचायत समिति के देवपुरी दादिया और भाड़ला में एक बहुत बड़ा दल जो है कल वो नागौर ज़िले की तरफ से प्रवेश किया था। 3 डिफरेंट स्थान के ऊपर पॉइंट के ऊपर जो है टिड्डी का आज वहाँ पर प्रकोप था। हमारी टीम जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में रात को वहाँ पर हमने प्लानिंग करने लोकेशन आइडेंटिफाई होने के बाद में हम लोगों ने उसको प्लान किया और प्लान करने के बाद में हमने उसको आधी रात से ही उस पर कंट्रोल करना शुरू किया जिसमें हमको काफ़ी सफलता मिली और हम लोग जो है उस टिड्डी को नियंत्रित करने में सफल हुए। पर चूंकि बहुत बड़ा फ्लॉक था, बहुत बड़ा स्वार्म था, तो वो लगभग 40% के आसपास हम उसको नियंत्रित कर पाए और उसके बाद में उसने सुबह होते ही जो है उड़ान भरना फिर से वापस चालू कर दिया है। नज़दीक के जो ज़िला है अपना मालपुरा या टोंक ज़िले के अंदर उसके मूवमेंट की जो है वो खबर है और आज भी ऐसी खबर है कि शायद नागौर की तरफ से एक और नया स्वार्म जो है अजमेर ज़िले में आ सकता है। हम लोगों ने इसकी पूरी मुस्तैदी से पूरी टीम बना रखी है, सर्वे दल बना रखे हैं, कंट्रोल दल बना रखे हैं, SDMs के साथ में कोऑर्डिनेशन है, सारा रेवेन्यू महकमा जो है पूरा प्रशासन इसके साथ में लगा हुआ है और पल पल इसकी निगरानी करके ज़िले के अंदर भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि टिड्डियों की हम रोकथाम करें और हमारी फसलों को और किसानों को नुकसान से बचा सकें।